लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जेली एजेंसी वासा में अरबों रुपए के खसारे पर काबू पाने और अफसरान की कमी को दूर करने के लिए मार्केट के मुताबिक तनख्वाह पर 46 अफसरान और बीपीएस के मुताबिक 20 अहलकार भर्ती किए जाएंगे। वासा हुकाम ने एलडीए को गवर्निंग बॉडी से मुजवजा भर्तियों और पे स्ट्रक्चर की मंजूरी ले ली है, जबकि वासा के 3 अफसरान को डायरेक्टर की पोस्ट पर तरक्की देने की भी मंजूरी दे दी गई है। वासा की जानिब से 15 डिप्टी डायरेक्टर्स, 31 असिस्टेंट डायरेक्टर्स जबकि ग्रेड 11 के 20 सर्वेयर्स और सब इंजीनियर्स भर्ती किए जाएंगे। 3 प्रमोट किए जाने वाले डायरेक्टर्स की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, डिप्टी डायरेक्टर्स की तनख्वाह 1,25,000 रुपए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तनख्वाह 75,000 रुपए मुकरर की गई है, जबकि ग्रेड 17 से निचली असामियों पर भर्ती बीपीएस के मुताबिक ही की जाएगी। वासा हुकाम के मुताबिक नए अफसरान की भर्ती से अरबों रुपए के खसारे तले दबे वासा को संभलने में मदद मिलेगी और भर्ती नेशनल टेस्टिंग सर्विस के तहत की जाएगी। वासा में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सीट पर पहले से काम करने वाले अफसरान ने भी सहूलियात और मुआवजे में इजाफे का मुतालबा करते हुए नए अफसरान की भर्ती पर तशवीश का इजहार किया है।